100 फीट, नो अबनॉर्मलिटी, हवा का दबाव और ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक है। वाटर डेप्थ 200 फीट, नो अबनॉर्मलिटी। वाटर डेप्थ 300 फीट, नो अबनॉर्मलिटी। वाटर डेप्थ 500 फीट, नो अबनॉर्मलिटी। ये क्या है? क्या तुम्हें कुछ दिखा? लगता है कोई शिप है। क्या कहा? वाटर डेप्थ 800 फीट, हमें यहाँ पर डूबे हुए जहाज का मलबा मिला है। क्या तुम्हें शिप का नाम समझ आ रहा है? मैं प्लेट देखता हूँ, आप लेफ्ट लीजिए। अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल से तो ये सेंटा फ्लेमेंगो शिप लग रही है। क्या? वो शिप तो बहुत सारा सोना लेकर जा रहा था और गायब हो गया था। ओके, रुको। हाँ दिख गया, सेंटा, सेंटा फ्लेमेंगो। हाँ ये सेंटा फ्लेमेंगो शिप ही है। क्या? वो शिप तो बहुत सारा सोना लेकर जा रहा था और गायब हो गया था। अगर ये वही है तो इसमें बहुत सारा सोना है। ये तो इस सदी की सबसे बड़ी खोज होगी। हमें एक काम बहुत सावधानी से करना होगा और जल्दी से खोज शुरू करनी होगी। This movie is encoded by TuneWorld for all.me. कितनी गर्मी है। वैसे तो मुझे ठंड पसंद नहीं, पर मुझे गर्मी भी पसंद नहीं। किसी पहाड़ या समंदर में जाना है। समंदर, पहाड़, समंदर, पहाड़, पहाड़ पर जाना बेहतर होगा ना? समंदर में जाना बेहतर है ना डोरेमोन? नहीं पहाड़ पर, चलो पहाड़ पर चलते हैं। चलो ना पहाड़ पर जाएंगे। इतनी गर्मी है, ऊपर से सब साथ में बोल रहे हो। हम सोच रहे थे कि दो दिन के लिए हम कैंप पर चले तो कैसा रहेगा? आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर हम सोच नहीं पा रहे कि हम आखिर कहाँ जा सकते हैं। गर्मियों के मौसम में समंदर किनारे जाना ही सही रहेगा। लेकिन तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता। अगर हम पहाड़ पर जाएंगे तो वहाँ हम बहुत मेहनत करेंगे, पसीना भी बहेगा। ये हमारे लिए अच्छा है। हाँ, पर मैं तो लड़की हूँ ना। डोरेमोन के वोट के बाद हम 3-2 हो जाएंगे। तुम समुद्र में जाना चाहोगे ना? देखो हम सिर्फ पहाड़ चलेंगे, समझ गए तुम? डोरेमोन पहाड़, डोरेमोन पहाड़। अगर दोनों जगह जाएंगे तो कैसा रहेगा? समुद्र में तैरते हुए तुम सब पहाड़ पर चढ़ सकते हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तुम समंदर के नीचे पहाड़ पर चढ़ सकते हो। समंदर के नीचे पहाड़? ये नामुमकिन है। समंदर के नीचे सुनसान और अंधेरा होता है और पानी का भी इतना दबाव होता है कि हमारी हालत खराब हो जाएगी। सही कहा सुनियो ने, कैंपिंग का असली मजा तो खुले आसमान के